हेलो एवरीवन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे साइको क्रिटिसिज्म या इसको आप साइको अनालिकल थियोरी भी कह सकते हैं जो कि आपका लिटरेरी थीरी है सो बेसिकली साइको क्रिटिसिज्म क्या करता है इट इज़ एन अप्रोच विच टू एक्सप्लेन हाउ एंड व्हाई ह्यूमन एक्शंस यानी ह्यूमन एक्शंस ह्यूमन बिहेवियर्स को ऑब्जर्व करेंगे थ्रू दिस थियोरी अगर आप टेक्स्ट पे अप्लाई करना चाहे तो आप करेक्टर्स की साइकोलॉजिकल स्टडी करेंगे थ्रू दिस थियरी सो बेसिकली इस बात के ऊपर डिपेट की गई कि ड्रीम्स आपके एक्शंस को या आपके अचीवमेंट्स को जो आप काम करते हैं किस तरह अफेक्ट करती है उस बात पे डिबेट की गई और ये बात कंकलूड की गई कि टू सम हाउ ड्रीम्स आपके ड्रीम्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है ह्यूमन एक्शंस एंड बिहेवियर्स में और क्रिएशन के अंदर भी जिसमें डिस्कस किया गया डिफरेंट साइंटिस्ट को थीरिस्ट को और उनके वर्क्स को कि किस तरह उन्होंने ड्रीम अंडर दी इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रीम्स उन्होंने वो वर्क्स प्रोड्यूस किए या जो काम उन्होंने किया समहाउ ड्रीम का इम्पॉर्टेंट रोल था सो so, इस फिन को किया एक साइकोलॉजिस्ट थे सिगमंड फ्राइड जो कि कंसीडर किया जाता है फाउंडर ऑफ साइकोटिकल क्रिटिसिज्म और उसने अपना वर्क पब्लिश किया जिसका नाम है द ऑफ ड्रीम 1900 के अंदर सो so, जिसमें वो डिफरेंट मॉडल्स डिस्कस करते हैं ह्यूमन साइक के हवाले से सो so, पहला जो मॉडल है जिसको डायनामिक मॉडल कहा जाता है ये मॉडल ये सर्ट करता है कि आर माइंड्स आर डाइकोटोनि विच आर कॉन्सिस्ट ऑफ कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस हमारे माइंड बेसिकली टू स्टेट्स के ऊपर कॉन्सिस्ट करता है एक तो आपका कॉन्शियस माइंड होगा दूसरा आपका अनकॉन्शियस माइंड होगा उनके रोल को देखेंगे उनका क्या रोल है कॉन्शियस माइंड जो कि आपका रेशनल लॉजिकल माइंड होता है जो कि परसीव करेगा रिकॉर्ड करेगा एक्सटर्नल रियलिटी को ये रीजनिंग पार्ट होता है लॉजिकल पार्ट ऑफ माइंड होता है ऑन दी अदर हैंड अनकॉन्शियस को देखे टोटली तो, ऑबियसली totally इसका अपोजिट होगा इेशनल होगा रीजनिंग इसमें नहीं होगी इट गवर्नस करेगा लार्ज पार्ट ऑफ आर एक्शंस को और इसके अंदर रिसीव होते हैं या स्टोर होते हैं हमारे हिडन डिज़ायर्स हमारे एम्बिश फीयर्स पैशंस और इेशनल थाट्स और अनकॉन्शियस जो है एन हाउस फॉर हीनिटीज़ टू बेसिक इंस्टिंक्ट इसके अंदर हम ह्यूमैनिटी के ह्यूमन बींग्स के दो बेसिक इंस्टिंक्ट आ जाएंगे द फर्स्ट वन इज़ द एरोस जिसको सेक्चुअल इंस्टिंक्ट भी कहा जाता है विच रेफर टू जिसको ट्रम दिया फ्राइड ने लिबिडो का यानी सेक्सुअल इंस्टिंक्ट या सेक्सुअल डिजायर्स को एंड सेकंड जो है वो आपका डिस्ट्रक्टिव या एग्रेसिव इंस्टिंक्ट जिसके अंदर अनकॉन्शियस इट इज़ आल्सो द स्टोर हाउस ऑफ द डिस्काइज ट्रूथ्स इसके अंदर डिस्काइज ट्रूथ्स होंगे जो कि आपके अनकॉन्शियस माइंड के अंदर बैठे होंगे एंड डिज़ायर्स जो कि रिवील होंगे अनकॉन्शियस के अंदर होते हैं बट दे आर रिवील थ्रू द कॉन्शियस एंड दैन फिर वो बात करता है पेरा की जिनको फ्राइडियन स्लिप्स भी कहा जाता है कि ये जो है आपके हिडन uh, ट्रूथ्स और जो डिज़ायर्स वो आपके अनकॉन्शियस माइंड के अंदर होंगे और कुछ इंस्टिंक्ट पे अनकॉन्शियसली ना चाहते हुए भी वो आ, रिवील होते हैं थ्रू आपके कॉन्शियस माइंड आप ना चाहते हुए भी स्लिप ऑफ टंग के थ्रू या स्लिप ऑफ माइंड के थ्रू संभव रिवील करते हैं अपने कॉन्शियस माइंड के थ्रू कहता है स्लिप्स ऑफ द टंग मिस्ट स्पेलिंग्स या एक्शंस जो कि आप रिवील करेंगे कॉन्शियस के थ्रू ना चाहते हुए भी सेकेंड मॉडल जो है इकोनॉमिक मॉडल पेश करते हैं इस मॉडल के अंदर इन्होंने इंट्रोड्यूस कराए दो नए कॉन्सेप्ट जो कि डिस्क्राइब करते हैं हेल्प करते हैं ह्यूमन साइक को समझने के लिए जिसमें वो प्लेज प्लेजर, प्लेजर प्रिंसिपल की बात करता है कि जो कि गवर्न करेगा प्लेजर प्रिंसिपल ओबियसली रिलेटेड टू समथिंग दैट प्लीज अस जिससे हमें प्लेजर मिलती है वो इंस्टिंक्ट्स जिससे आपको प्लेजर मिलता है क्रेव्स ओनली प्लेजर इट क्रेव्स फॉर प्लेजर ये चाहता है कि बस सिर्फ प्लेजर ही मुझे मिले एंड इट डिज़ायर्स इंस्टेंटेनियस सेटिसफेक्शन इंस्टेंसली आपको सेटिसफेक्शन मिले प्लेजर मिले इस तरह के डिजायर्स इस तरह के इंस्टिंक्ट्स प्लेजर प्रिंसिपल्स के अंदर डिस्क्राइब किए गए हैं और इसके अंदर जो है आपका प्लेजर प्रिंसिपल इग्नोर करता है कि क्या मॉरल है क्या इमोरल है क्या सेक्सुअल बाउंड्रीज ये तमाम चीज़ों को निगेट करता है एंड देन एक और इम्पोर्टेंट ट्रम यहाँ पे आ जाता है कैथेक्सिस का जो कि कहता है कि इंडिविजुअल इंस्टिकचुअल या साइकोलॉजिकल एनर्जी को कहा जाता है इस चीफ एम इसका जो मेन पर्पस है एम है इट इज़ टू मैक्माइज प्लेजर किसी भी तरह प्लेजर को मैग्जीमाइज करना प्लेजर को हासिल करना बिक द प्लेजर प्रिंसिपल गोल इज इमीजिएट रिलीफ फ्राम द पेन एंड सफरिंग और ये सिर्फ बस प्लेजर चाहिए मोरलिटी को आप साइड पर करते हैं दूसरा आपका रियालिटी प्रिंसिपल आ जाता है जो कि इसका अपोजिट होगा ये क्या करेगा प्लेजर प्रिंसिपल को सप्रेस करेगा और जो मॉरल और इमोरल है इन चीज़ों के बीच में डिस्टिंग्विश करेगा द पार्ट ऑफ दिस साइक दैट रिकॉग्नाइज द नीड फॉर द सोसाइटल स्टैंडर्ड्स और ये इसको आप एंटी कैथिक्सिस का ट्रम दे सकते हैं जो कि एंटी चार्ज ऑफ एनर्जी होगा और रेगुलेशन ऑन प्लेजर उसको सप्रेस करेगा उसको रेगुलेट करेगा और क्या मॉरल है क्या इमोरल है उसको डिस्टिंग्विश करेगा तीसरा जो मॉडल है टाइपोग्राफिकल मॉडल जिसमें फ्राइड सेपरेट करता है ह्यूमन साइक को थ्री पार्ट्स के अंदर कॉन्शियस जो कि माइंड का डायरेक्ट लिंक होता है एक्सटर्नल रियलिटी के साथ इसके अंदर आपके परसेप्शंस किस, किस तरह आप वर्ल्ड को परसीव करते हैं एंड रिएक्टिंग विद द एक्सटर्नल इन्वामेंट के साथ किस तरह रिएक्ट करते हैं एंड इट अलाउस द माइंड टू ऑर्डर इट्स आउटसाइड वर्ल्ड एंड देन आपके पास प्री कॉन्शियस माइंड आएगा जो कि स्टोर हाउस होगा मेमरीज का दैट द कॉन्शियस पार्ट ऑफ द माइंड अलाउ टू ब्रॉड टू द कॉन्शियस विदाउट डिस्गाइजिंग दिस मेमरीज इन सम समी कॉन्शियस के अंदर आपके वो मेमरीज होंगे जो कि रिवील होंगे आपके कॉन्शियस माइंड के थ्रू विदाउट डिस्गाइजिंग और अनकॉन्शियस के अंदर वो आपके मेमरीज होंगे जो कि हमेशा डिस्गाइज में रहेंगे इसमें आप डिस्गाइज ट्रूथ या इस तरह की चीजें होंगे इट हॉल्स द रिप्रेस हंगर या इमेज था या डिज़ायर्स ऑफ द ह्यूमन नेचर इसके अंदर होंगे जो कि ऑबियसली रिवील नहीं होना चाहेंगे जो कि आप अनकॉन्शियस में रखते हैं एंड देन वो रिप्रेजेंट करते हैं ट्राई पार्ट्रेट मॉडल जिसको आल्सो आप स्ट्रक्चरल मॉडल भी कह सकते हैं यानी ट्राई पार्ट्रेट तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है सो इट डिवाइड्स द साइक इनटू थ्री पार्ट्स जिसके अंदर इड ईगो और सुपर ईगो सो ऑब्वियसली इड क्या होगा इड आपका इरेशनल इंस्टिंक्टुअल अननाउन या अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड आप कह सकते हैं और ये कंट्रोल करेगा हमारे सीक्रेट डिज़ायर्स को डार्केस्ट विशेस को जो आपकी क्रलिटी है डार्केस्ट विशेस से मोस्ट इंटेंस फियर से वो तमाम इडिक के कंट्रोल में होंगे एंड इट इज हाउसेज फॉर दी लेबिटो जो कि सेक्चुअल डिजायर्स को हमने कहा था एंड विशेस uh, जिनको प्लेजर प्रिंसिपल के थ्रू फुलफिल आप करना चाहते हैं एंड इट ऑपरेट करता है ऑन इम्पल्स वांटिंग इमिजट सेटिसफेक्शन और इंस्टिकल डिजायरस को फुलफिल करने में एंड देन आपका ईगो आ जाता है जो कि रेशनल पार्ट होता है लॉजिकल होता है वेकिंग पार्ट ऑफ माइंड होगा और बहुत सारे एक्टिविटीज इसके रहेंगे अनकॉन्शियस के अंदर ईगो ऑपरेट करता है इन हारमोनी विद द रियलिटी प्रिंसिपल जबकि इड का हमने देखा था प्लेजर प्रिंसिपल को फॉलो करता है जबकि ये रियलिटी प्रिंसिपल को फॉलो करेगा एंड इट इज़ द ईगोस जॉब टू रेगुलेट द इंस्टिंगचुअल डिज़ायर ये ईगो का पार्ट है कि वो इंस्टिंक्टुअल डिज़ायर को आ, कंट्रोल करे इड के ऊपर कंट्रोल करे और अलव करे दिस डिज़ायर्स टू रिलीज़ इन नॉन डिस्ट्रक्टिव वेस में किस तरह रिलीज किया जा सकता है और ईगो जो है मेडिएट करता है कम्युनिकेट करता है बिटवीन इड और सुपर ईगो के बीच में अभी आपका आ जाता है सुपर ईगो जो कि इड का अपोजिट होगा इट एक्ट्स लाइक एन इंटरनल सेंसर जो कि रिस्ट्रिक्ट करता है इमोरल थिंग्स को जो कि प्लेजर प्रिंसिपल के थ्रू सेक्चुअल डिजायर्स एंड ऑल ऑफ दिस इनको सप्रेस करता है आपका सुपर ईगो कासिस अस टू मेक मॉरल जजमेंट्स इन द लाइट ऑफ सोशल प्रेशर और सुपर ईगो जो है ऑपरेट करता है अकॉर्डिंग टू मोरालिटी प्रिंसिपल के थ्रू ठीक है क्या सही है क्या इमोरल है इमोरल है डिफ्रेंशियट करेगा और जो इमोरल है उस चीज़ को सप्रेस करेगा आगे नहीं लाएगा एंड ईड के ऑपोजिट चलता है ये एंड सुपर ईगो सर्व करेगा एज फिल्टरिंग एजेंट के तौर पर ये फ़िल्टर करेगा क्या आइडिया सही है क्या रिप्रेजेंट करना है क्या नहीं करना है सप्रेस करेगा आपके डिज़ायर्स को लिबिडो जो हमने डिस्कस किया होता है सेक्चुअल डिज़ायर्स या दूसरे इस तरह के इमोरल थिंग्स को सो so नेक्स्ट जो थेरिस्ट आ जाते हैं जेक लकान इंपॉर्टेंट थेरिस्ट है साइको अनालस के अंदर ही बिलीव्स दैट द अनकॉन्शियस ग्रेटली अफेक्ट करता है आपके कॉन्शियस बिहेवियर को और वो ये असर्ट करते हैं कि अनकॉन्शियस इज़ स्ट्रक्चर्ड मच लाइक द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज की तरह इसका भी स्ट्रक्चर है और वो ये क्लेम करते हैं कि आल इंडिविजुअल्स आर फ्रेगमेंटेड नॉट हॉल कि इंडिविजुअल्स जो है हम फ्रेगमेंटेड है पार्ट्स में डिवाइड है कम्प्लीट हॉल या यूनिटी नहीं है ह्यूमन साइक -like का मॉडल इन्होंने भी दिया था फार लकान के लिए ह्यूमन साइक -like जो है कॉन्सिस्ट करता है थ्री पार्ट्स जिस में आ जाता है पहला आपका इमेजिनरी ऑर्डर जिसमें वो डिस्कस करते हैं कि मादर के रोल मादर और चाइल्ड का रिलेशनशिप वो डिस्कस करते हुए कहता है कि इस इमेजिनरी ऑर्डर के अंदर मादर डोमिनेट करता है आपके इमेजिनरी ऑर्डर को और ये जो स्टेट है फ्रॉम बर्थ टू सिक्स मंथ और ये वो पार्ट ऑफ साइक है जिसके अंदर हमारे विशेष होंगे आ, हमारे फैंटेसी होंगे ठीक है जो कि हमारे इमेज को शेप आउट करेगा और एट दिस स्टेट के अंदर चाइल्ड जो है इट इज द चाइल्ड इज यूनाइटेड विद द मदर ठीक है एंड देन मिरर स्टेज आपका आ जाता है जिसमें एक बच्चा खुद को देखता है सीइंग वन सेल्फ इन द मिरर और uh, अपने खुद को एक अपने मदर के इमेज में देखता है ठीक है चाइल्ड सीज हिमसेल्फ एज एन इंडिपेंडेंट बीइंग हु इज सेपरेट फ्रॉम दी मदर और इस स्टेट में वो खुद को एक पहले मदर के साथ खुद को यूनाइटेड एक ही समझता था अभी ख़ुद को एज इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग वो समझेगा एंड चाइल्ड कम्स टू रिकॉग्नाइज़ सर्टेन ऑब्जेक्ट्स को वो रिकॉग्नाइज करेगा एज बीन सेपरेट फ्रॉम आर सेल्फ जिसमें ऑब्जेक्ट पेटिट आ कहा गया है जो कि सिंबल ऑफ यानी वो चीज़ें जो हमसे अलग है जिसमें वो आ, डिसिपेशन या वेस्ट ऑफ द बॉडी उन चीज़ों को वो डिस्कस करेंगे एंड देन सिंबॉलिक ऑर्डर के अंदर क्या होगा सिंबॉलिक ऑर्डर के अंदर यहाँ पे फादर डोमिनेंट होता है इस स्टेज के अंदर चाइल्ड जो है लर्न टू डिफरेंशिएट बिटवीन इंडिविजुअल साउंड्स एंड वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंस एंड चाइल्ड लर्न टू डिफरेंशिएट बिटवीन मेल एंड फीमेल एंड ही लर्नस दादर जो है रिप्रजेंट करेगा आपके कल्चरल नॉर्म्स को लॉस को और फादर को वो एज अ सिम्बल ऑफ पावर समझता है जो कि इन्फोर्स करेगा कल्चरल रूल्स को जो कि फॉलो करनी चाहिए लकान एंड टेक्सुअल अनालसिसिस हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द्यूमन साइक एंड लेक लेक और उसके फ्रेगमेंटेशन जो कि डिस्कस किए हमने एग्जामिन करता है टेक्स को और लेकान ने जो किया क्या किया ही लुक्स फॉर द एलिमेंट्स ऑफ द थर्ड एंड मोस्ट रिमोट एंड अन रिचेबल पार्ट ऑफ द साइट जो कि थर्ड आपका ऑर्डर है रियल ऑर्डर जो कि अन रिचेबल है ह्यूमन साइक का ऑर्डर इट कॉन्सिस्ट ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड इंक्लूडेड द मटेरियल यूनिवर्स और रियल ऑर्डर इट कॉन्टेन्स द काउंटलेस ऑब्जेक्ट पैटिट आ यानी वो ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे देट कंटिन्यूसली फंक्शन फॉर आस एज अम्बल ऑफ प्रोमेंट प्रोमाइडल लेक एंड देन लकान के थ्योरी में हमने ये देखा कि वो कहते हैं कि लिटरेचर हैज़ अ पार्टिकुलर एबिलिटी टू कैप्चर जोसेंस ये जो ट्रम है कहता है कि देट इज़ टू कॉल अप बिलीफ ब्रीफ मोमेंट ऑफ जॉय होगा या टेरर होगा या डिजायर होगा जो कि एराइज होगा आपके डीप विद इन आपके अनकॉन्शियस साइक के अंदर So, this is about psychoanalytical theory. Thank you for watching.